स्टेशन ये चेक करें, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, वो ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। और ये देखें, ये रेलवे स्टेशन है और वो सामने खड़ा हुआ है, इंजन खड़ा हुआ है। तो अभी चलते हैं, मैं और मामा आए क्योंकि मामा का ना वापसी पे काम था। ये इधर हमने बाइक खड़ी कर दी है, तो अभी अंदर चलते हैं, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है व्यू। और ऊपर बिल्कुल सामने चाँद भी आ गया। देखिए ये पाकिस्तान रेलवे वालों का खड़ा हुआ है इंजन, और ये चेक करें। मैंने कहा चलें आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, आके आगे से भी दिखाता हूँ ज़रा। बाकी ये चेक करें इसका, यहाँ पे देखें तारीखी खाका भी लिखा हुआ है, इंजन का नंबर, बनाने वाली कंपनी और सब कुछ ना इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है इंजन। तो अभी हम चलते हैं अंदर, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सीधा फिर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, दूसरे पर मोहम्मद अफ़ज़ल जी बाजपुर शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब कैरियर से होंगे। अभी आज भी पिछला व्लॉग मैंने ख़त्म किया है और नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर दिया। आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे हैं और लाहौर हम जा रहे हैं, रावलपिंडी टू लाहौर। तो अभी ऐसा है कि ट्रेन हमने देख लिया सारा कुछ, डब्बे वगैरह, तो अभी अंदर जाके सामान वगैरह हमने रख दिया और बैठते हैं। तो थोड़ी देर के अंदर बस चलने वाली है, वहाँ पर वो ऐलान वगैरह भी हो रहा है कि आप बैठ जाएँ। तो बैठते हैं ट्रेन डब्बे के अंदर और फिर आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। लेट है यार, ये भी स्टेशन पे हम खड़े हैं और सामने से ट्रेन आएगी, बिल्कुल ये इधर से आएगी। और बाकी ये देखें स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हैं सब पकोड़े वगैरह बन रहे हैं, चाय शाय बन रही है। और ये हम अपना बैग लेके जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 रावलपिंडी स्टेशन। तो अभी लाइटें थोड़ी कम ही लग रही हैं मुझे, ये चेक करें। और वो सामने एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है गाड़ी, और हमारी शायद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर। तो अभी इधर आगे जा खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं, अभी 15 मिनट इसके आने में। 2000 years later. कहीं इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी है रेलवे का, और पापा भी आ गए, दिखाएं क्या लेके आए पापा, इसी के अंदर दिखाएं ज़रा। बाकी बैग इधर रखा हुआ है, हम इंतज़ार कर रहे हैं इधर बैठ के। और ये पापा उधर से लेके आए, कंपनी से लेके आए, देखें माशाल्लाह क्या गिफ्ट लेके आए। अभी इसको खोलते हैं, हम इसको ऊपर से हटाएँ, मैंने पकड़ा हुआ नीचे से बस। ये देखें माशाल्लाह, ये है वो शो पीस वगैरह नहीं होते जो रखते हैं, डब्बा पकड़ लें आप। ये देखें माशाल्लाह, ये लिखा हुआ है माड़ी पेट्रोलियम कंपनी। और ये अंदर ना इसके वो बना हुआ है स्केच टाइप से, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें अब नज़र आएगा। ये देखें ये माड़ी पेट्रोलियम लिखा हुआ है, और ऊपर ना ये वो बना हुआ है जिससे मेरे ख्याल से खींचती है ना, पाइप्स वगैरह बने हुए। ये देखें क्योंकि पेट्रोलियम कंपनी है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें 2000 years later. ये देखें यार, ये सामने आ रहा है इंजन, और कितनी रोशनी है इधर कैमरे के अंदर, इतनी रिफ्लेक्शन हो रही है। ये चेक करें 4568 लिखा हुआ है इंजन नंबर। ये देखें, अभी रहते हैं तकरीबन 10 मिनट रहते हैं और पहले ही आ गई गाड़ी। ये देखिए खाली है अंदर से, वो जा रही है अभी। तो देखते हैं हमारा वो है डब्बा नंबर 2 है मेरे ख्याल से, वो गुजर गया आगे। ये देखिए काफ़ी लंबी है, ये देखिए ये जा रही है, ये मेरे ख्याल से जो हरिपुर वाली साइड से। ये देखिए बस रुक गए, अब अपना देखते हैं डब्बा कौन सा, फिर अंदर जाके बैठते हैं। ये रुके। A few moments later. फाइनली ये भी ट्रेन आ गई है, ठीक है। और ये बिल्कुल हमारा जो कोच है ना, ये साथ ही है, 5 नंबर कोच है। तो इसके अंदर जाते हैं और अपनी सीट जाके ना रखते हैं। सीट हमारी जो है वो 63S है, तो अंदर देख लेते हैं कौन सी साइड के ऊपर बनती है, दूसरी साइड भी बनेगी या इस साइड भी बनेगी, अभी देखते हैं। पापा के साथ जाते हैं और फिर वहाँ पे ना अपना सामान वगैरह रखते हैं, अभी हैं 10 मिनट जाने में ट्रेन के। ये अभी चढ़ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहले इनकी चीज़ें वगैरह रखी हुई और अभी हम चलते हैं आगे अपना डब्बा वगैरह कहाँ पर है। ये देख रहे हैं पापा किधर डब्बा। 1 hour later. तो अभी इधर आ गए यार चकलाले स्टेशन, इधर 2 मिनट का इनका स्टॉप है, और ये सामने भी ट्रेन रुकी हुई है हमारी। ये देखें अब ये दूसरी साइड पे है, वो अक्सर में जो स्टेशन है ना वहाँ पर, अब यहाँ पे रुकी है, 1 मिनट का स्टॉप है और फिर निकलते हैं आगे की तरफ।
2000 years later. तो ट्रेन चल चुकी है और ये सामने देखें चटलाला के स्टेशन और वो हमारा इंजन चटलाला ये चलेंगे later. Green line. A few moments later. ये देखें यार अभी वजीराबाद क्रॉस की है और ये देखें ट्रेन मोड़ रही है. ये चेक करें वो पीछे चला गया वजीराबाद जंक्शन रुकी नहीं है वहाँ पर. ये चेक करें स्लो स्पीड है ना और बाकी अंधेरा ही अंधेरा है. रात का सफ़र का यही होता है ना आपको नज़र नहीं आता कुछ. ये चेक करें thousand years later. ये जी आ गया है अभी गुजरांवाला का स्टेशन. ये देखें सामने ये लिखा हुआ है और अभी क्रॉस पड़ा है तो तभी रुकी है वरना नॉन स्टॉप है. ये देखें यहाँ पे रुके हुए भी सारे ठंड है बिल्कुल और वो ऊपर पोल स्टार के साथ ही चांद. 2 hours later. खैर यार आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट लगाते रहें. बाय.